आप सबका बीकॉन जुडिशियल एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम एडवोकेट सागर सिंह। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो टॉपिक बहुत ही जरूरी है। जरूरी इस प्रकार है, ये टॉपिक ना कि सिर्फ किसी लॉ स्टूडेंट या कोई बंदा लिटिगेशन कर रहा है उसके लिए, या फिर जो जुडिशियरी की अपनी तैयारी कर रहा है, ना कि सिर्फ इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है बल्कि कॉमन मैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है बेसिक कैनन्स ऑफ एफआईआर इन द लाइट ऑफ ललिता कुमारी केस। अगर हम देखेंगे एफआईआर का मतलब, इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आज हम एक ऐसे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही सीधा है और प्रिसाइज है, जिससे आपके जहन में जो कोई क्वेश्चंस हो एफआईआर को लेके, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि वो सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जाए। तो आइए एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपको मैं एफआईआर क्या होता है और एफआईआर कैसे किया जाता है, उस एफआईआर से रिलेटेड पुलिस ऑफिशियल्स की क्या ड्यूटी है, इस बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं। अगर इलस्ट्रेशन की बात हुई तो यहां पर ए है और बी है। ए एक लड़की है जो कॉलेज गोइंग लड़की है, जो कॉलेज जाती है, और बी एक ऐसा बंदा है जो हर वक्त इस लड़की का, जब भी ये कॉलेज जाती है तो उसका पीछा करता है। तो मसला ऐसा है कि ये बंदा जो बी है वो हमेशा ए का पीछा करता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि बी ने ए का रास्ता रोककर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर ए बहुत ही टेरिफाइड हो गए। तब ए ने अपने फादर से इस बात की शिकायत की कि बी करके कोई एक लड़का है, जब भी वो कॉलेज जाती है तब उसका पीछा करता है, और आज उसकी हद इतनी बढ़ गई कि बी ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ बदतमीजी। तब जो फादर है वो ए को लेकर सी के पास चले। अभी आप सोच में पड़ गए होंगे कि सी है क्या। सी एक पुलिस स्टेशन है और सी को हम एक पुलिस ऑफिशियल भी समझेंगे। समझ में आ रहा है? तो सी के पास लेके जाने के बाद यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अराइज होती है। जब भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज घटती है जो कानून की किताब में, जिसे हम अपराध मानते हैं, तब जाके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का अराइज होता है। तो आइए समझते हैं बहुत ही सरल और सहज तरीके से। जो सी है, जब भी ए अपने फादर के साथ सी के पास गई होगी तब सी ने उसकी रिपोर्ट ली होगी। अगर आप देखेंगे सीआरपीसी में एक चीज आपको समझनी है जिसका नाम है फर्स्ट शेड्यूल। अभी आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये फर्स्ट शेड्यूल है क्या। फर्स्ट शेड्यूल मतलब पहली सूची। इस पहली सूची ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। मैं आपको बहुत ही सहज तरीके से यह समझाना चाहूंगा। संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब पुलिस को ऐसी अथॉरिटी दी गई है कि विदाउट वारंट वो संज्ञेय अपराध में, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस में, किसी बंदे को अरेस्ट कर सकती है विदाउट अ वारंट। अ पुलिस ऑफिशियल कैन अरेस्ट अ पर्सन हु हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। That particular person can be arrested by that particular police official in a terms that without a warrant. तो section 154 इसे explain करता है। section 154 का subsection 1 बहुत ही अच्छी तरीके से हमें यह बताता है कि जब भी कोई ऐसा cognizable offence हो, किसी के साथ कमिट हुआ हो, जैसे यहां पर ए के साथ कमिट हुआ है,
छेड़खानी हुई है, उसका पीछा किया गया है, और पीछा करने के बाद ये जितने भी इंसिडेंट्स या जितने भी एक्ट्स बता रहा हूं, ये सारे एक्ट्स कॉग्निजेबल, मतलब संज्ञेय अपराध। तो सेक्शन 154 का सब सेक्शन 1 ये बताता है, अगर कोई भी बंदा किसी के साथ अगर कोई ऐसा एक्ट करे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर आता हो, तो वहां पर सेक्शन 154 अंतर्गत एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। अब ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में बेसिकली जो कोई इंसिडेंट हुआ होगा, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो जो बंदे के खिलाफ वो एफआईआर बनी हुई है उसका नाम उसके अंदर डाला जाता है, और उसके खिलाफ उसके एक्शंस के हिसाब से, जो अपराध उसने किया है उसके हिसाब से इंडियन पिनल कोड की धाराएं लगाई जाती है। तो आइए समझते हैं कि ए बी और सी, ए यहां पर एक लड़की है, फिर से मैं बताना चाहूंगा, ए यहां पे एक लड़की है, बी एक लड़का जो उसका पीछे करता है, और एक हद तो वहां पे हो जाती है जब ए को रोक कर उसके साथ बदतमीजी होती है। तब ए अपने फादर के साथ सी के पास जाता है, सी जो पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर को भी हम मानेंगे, पुलिस ऑफिसर उनकी एक रिपोर्ट दर्ज करता है, उस रिपोर्ट को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सरल तरीके से आपको मैंने समझाया है और आप समझ भी गए होंगे। आइए आगे समझते हैं। 154 में जब भी, जैसे मैंने कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जब भी होता है, तो 154 में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब एक एफआईआर दर्ज होती है, जो बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। उसके बाद असंज्ञेय अपराध, सेक्शन 155, असंज्ञेय अपराध मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फिर से फर्स्ट शेड्यूल में, मतलब सूची नंबर 1 में, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में असंज्ञेय अपराध की भी डेफिनेशन दी गई है, उसका भी मूल्यांकन किया गया है सेक्शन 155 में। यहां पर अरेस्ट नहीं होती जब तक मजिस्ट्रेट परमिशन नहीं देता, तब तक यहां पर सेक्शन 155 में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, या जो बंदा जिसके राइट है, जिसके खिलाफ जिसने कंप्लेन दर्ज की है, उसको डायरेक्टली पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिशियल्स मजिस्ट्रेट के पास भेजती है अंडर सेक्शन 155। तो आइए समझते हैं, बेसिकली एफआईआर एक ऐसी चीज है जो हम अपनी स्टेटमेंट ए, अपनी स्टेटमेंट सी को बताता है ओरली, तब जाकर सी उसे रिड्यूस करता है राइटिंग में कि उसके साथ ऐसी क्या घटना घटी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को समझना हो तो हमें एक बार, कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहां पे पुलिस एफआईआर लेने से इनकार कर देती है। एफआईआर लेने से इनकार कर देने के बाद जो पहली चीज जहन में आती है वो है एपेक्स जजमेंट, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट, ललिता कुमारी केस। ललिता कुमारी केस में बहुत ही अच्छी तरीके से जो कोर्ट्स है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। दे एक्सप्लेन दैट इट्स अ मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ अ पुलिस ऑफिशियल्स टू फाइल एन एफआईआर। जब भी ऐसी कोई संज्ञेय अपराध की इंफॉर्मेशन लेकर अगर कोई इंसान आता है, तब जाकर आपको एफआईआर लेना ही है, मतलब मैंडेटरी है पुलिस ऑफिशियल्स के लिए। आप देखोगे कि बहुत वक्त, बहुत बार ऐसा होता है जहां पे पुलिस ऑफिशियल्स मतलब पूरी तरीके से इनकार कर देते हैं एफआईआर दर्ज करने से, तब आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर जजमेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा ललिता कुमारी केस, वो आपको राइट देती है और पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर एक ड्यूटी इंपोज करती है, ये कह के कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर संज्ञेय अपराध है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे एफआईआर दर्ज करनी है। जो बंदा जैसे ए अपने आप को बताना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ, कौन सा अपराध हुआ, कैसे अपराध हुआ, कहां पे अपराध हुआ, वो सारी चीजें एफआईआर के अंदर दर्ज होती है, और
सबसे जरूरी बात, जब भी आप अपनी स्टेटमेंट देते हो और आपको कहा जाता है कि एफआईआर पे सिग्नेचर करो, तो आपको सर्वप्रथम वो सारी चीजें जो पुलिस ऑफिशियल ने मतलब उन्होंने जो रिड्यूस किया है आपकी ओरल स्टेटमेंट को, वो स्टेटमेंट को आपको पढ़ने के बाद ही सिग्नेचर करना है। अगर आप वो पढ़ोगे तो ही जाके सिग्नेचर होगा। अगर आप बिना पढ़े, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पुलिस आप बताना ही चाह रहे हो, पुलिस ऑफिशियल्स अपने हिसाब से कुछ और दिल लिख देते, तो उस सिचुएशन में एफआईआर करना बड़ी बात नहीं, लेकिन एफआईआर करने के बाद वो पर्टिकुलर केस कोर्ट में विन विन सिचुएशन में आना चाहिए, आपको न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए एफआईआर बहुत ही जरूरी है। अगर आप देखेंगे एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, एफआईआर एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन एफआईआर कॉरोबोरेशन के लिए और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो कभी कभी कुछ पुलिस ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं जो ये कह देते हैं कि आप हमारे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं लगता है ये, तो हम यहां पर एफआईआर नहीं ले सकते। तो बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पर ये कहा जाता है कि आप यहां पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहते हो तो आप यहां पर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। आप जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जीरो एफआईआर में आप कोई भी थाने में जाकर अपनी रपट या अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हो, फिर जहां पर आप रहते हो उस पुलिस स्टेशन में वो पर्टिकुलर रिपोर्ट ट्रांसफर की जाती है। अब समझते हैं क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर भी बहुत सिंपल है समझने के। क्रॉस एफआईआर एक ऐसी चीज है जहां पर दोनों भी पार्टी में, जैसे ए और बी है, ए और बी जैसे मैंने स्टेशन में कहा, यहां पर ए एफआईआर बी के खिलाफ करती है, तो क्रॉस एफआईआर में बी बी ए के खिलाफ एफआईआर करता है। अगर दोनों ने एक दूसरे को, एक दूसरी रजिस्ट्रेशन से समझते हैं, ए ने बी को मारा, इन रिटर्न बी ने भी ए को मारा, यस और ए ने बी को मारा जिसकी वजह से बी लहूलुहान हो गया और बी ने भी ए को मारा तो ए भी लहूलुहान हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे को जब मारते हैं और जहां पे पुलिस ऑफिशियल्स को लगता है दैट इट इज अ सीरियस मैटर ऑफ क्रॉस एफआईआर, उस वक्त क्रॉस एफआईआर लिया जाता है। बहुत ही जरूरी बात बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी प्रोविजन सीआरपीसी में या कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जहां पर आप आपका एडवोकेट नहीं ले जा सकते। जब भी आपको एफआईआर करनी हो तो अगर आपका कोई एडवोकेट हो तो आप उस एडवोकेट को लेकर जा सकते। अब थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि ये पूरा इंसिडेंट आपको समझ में आया होगा। अब ए सी के पास अपने फादर के साथ पुलिस ऑफिशियल्स के पास जाती है यह कहकर, यह मतलब मेरी एफआईआर आप दर्ज करो, और सी रिफ्यूज कर देता है। अगर सी रिफ्यूज कर देता है तब जो पुलिस ऑफिशियल्स आपकी कंप्लेंट लेने से रिफ्यूज करता है तो कृपया करके उनको ललिता कुमारी केस के बारे में बताइए दैट इट इज अ मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ अ पुलिस ऑफिशियल्स टू रिकॉर्ड अ एफआईआर। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो और इन्वेस्टिगेशन में जो निष्पन्न होगा दैट वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई विद। अगर तो भी सी, अगर कोई पुलिस ऑफिशियल आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी रिपोर्ट नहीं लेता है तो आप लिखित स्वरूप में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जो उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है उनके पास आप एक लिखित लेटर पे जो जो घटना आपके साथ हुई है वो आपको सीधी लैंग्वेज में एक लेटर में लिखनी है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के नाम से, या आप इसके साथ प्रति में एसीपी को भी रख सकते हैं, आप डीसीपी को भी रख सकते हैं, आप एडिशनल कमिश्नर को भी रख सकते हैं और आप कमिश्नर को भी रख सकते हैं। मतलब अगर आपकी फरियाद 1 2 3 4 5 इन लोगों ने अगर नहीं सुनी तो आपके पास एक ऑप्शन और क्रिएट होता है सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी आपको राइट देता है जब भी आपकी फरियाद, जब भी आपकी कंप्लेन
अगर कोई पुलिस ऑफिशियल्स या पुलिस डिपार्टमेंट आपकी कंप्लेंट या कॉग्निजेंस नहीं लेता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब जाकर आप सेक्शन 200 में सीआरपीसी के आप कोर्ट में जा सकते हो आपकी एडवोकेट के साथ आपकी एक कंप्लेन बनाकर कि आपने बहुत पुरजोर कोशिश की अपनी एफआईआर कराने की लेकिन एफआईआर पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं ली, तब जाके कोर्ट इस चीज को पूरी तरीके से समझकर एफआईआर नहीं लेता होगा वो, तो 156(3) में 156(3) में भी आप एफआईआर इस कोर्ट से गुहार लगाकर पुलिस को इंस्ट्रक्शन देने को कह सकते हो, 156(3) में आप एफआईआर करवाने के लिए कह सकते हो, या सेक्शन 200 में ऑफ सीआरपीसी में आप एक नई कंप्लेन के स्वरूप में कोर्ट के सामने जा सकते हो। अभी कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या कोई टाइम फ्रेम है सर, ऐसा कोई टाइम फ्रेम है कि उस टाइम फ्रेम में ही हम एफआईआर कर सकते? अगर समझा जाए एफआईआर का ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं। लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द, बुक किताबों में बहुत सारी किताबों में आप देखोगे कि लिखा है कि जल्द से जल्द आपको करना है, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करके ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। जैसे आप सिविल केसेस में लिमिटेशंस देखोगे, वैसे एफआईआर के लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं। मैं अगर आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।